कि कौन जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये करेगा, ट्रैक करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, अट्रैक्ट भी करता है और अपने पास वो रख भी लेता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसी पर्टिकुलर एटम का देखते हैं कि हाँ ये एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है. पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं वो बॉन्डेड एटम में देखते हैं. जब वो एटम बॉन्डेड होता है तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, वहां से हम इसे जज करते हैं. तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ईए एंड ईएन. तो नोट डाउन करो पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट लगा रही हूँ. हाँ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दिस इज अ रिलेटिव वैल्यू, हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हमें क्या पता कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन है, विच वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास अट्रैक्ट होगा. क्लियर है? तो हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में हम देखते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू किसी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे आपकी वॉइस हैं. ब्रेक हो रही है। सबके पास ये वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है कि सिर्फ ताहिरा को ब्रेक हो रही है? मैम इशिका, मुझे भी विभूति, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। मैम यू आर राइट ऑडिबल। नाउ? ठीक है, मैं ये यस बता, मैम। हाँ मैं यही कहने जा रही हूँ कि हम है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस देखेंगे. इलेक्ट्रॉन इफिनिटी किसी पर्टिकुलर एटम का हम निकालते हैं कि एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है. और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम किसी रिस्पेक्ट में देखते हैं, दो एटम्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो हम हाइड्रोजन के कंपेयर में क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये रिलेटिव वैल्यू हुआ, किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो रिलेटिव वैल्यू, एंड रिलेटिव वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है. क्लियर है? तो आप डिफरेंस लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या डिफरेंस है. पहला लिखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है. देखो पहले एक डिफरेंस, मैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये समझाने जा रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट भी करता है और अपने पास रख भी लेता है. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस बस वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपने पास रखता नहीं है. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है. गेन कब होगा, जब उस इलेक्ट्रॉन को हम अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाएंगे तभी तो वो आएगा, हम उसे गेन करेंगे. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दोनों होता है, अट्रैक्शन प्लस गेन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ अट्रैक्शन होता है. क्लियर है? तो पहला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इट अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. मैं लिख दूं या फिर हो जाएगा? हाँ लिख सकती हूँ मैं, इट अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. एक्सेप्ट में वहां पे क्या होगा, उसका सेकंड पॉइंट लिखो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेकंड पॉइंट लिखो, इट ओनली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इट ओनली अट्रैक्ट. मैम ये पॉइंट किसके अंदर लिखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पॉइंट लिखा रही, जो सेकंड पॉइंट है वो मैं लिखा रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि इट ओनली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इट ओनली अट्रैक्ट मैम ये इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट पॉइंट नहीं है। देखो मैंने पहले दो कॉलम बनाया, एक सेकेंड में बता रही हूँ. मैंने क्या किया, दो कॉलम बनाए, एक बनाया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉलम और मैंने एक कॉलम बनाया आपका, जस्ट वेट, मैंने एक कॉलम बनाया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहला पॉइंट लगा मैंने लिखवाया कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है, इट अट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इसका मैंने पॉइंट लिखाया जो ऊपर लिखा हुआ है, इट ओनली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. क्लियर है विभूति? यस मैम। ठीक है, यस ताहिरा, मैम। ऋषिका,
यस मैम। देखिए अब सेकेंड पॉइंट लिखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट ये है कि हम किसी पर्टिकुलर एटम को निकालते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते, वो आइसोलेटेड अकेला होता है। यहाँ पे देखना आइसोलेटेड एटम, और ये आपका होगा, ये आइसोलेटेड नहीं, हम कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं। क्या ताहिरा मैम आपकी वॉइस ब्रेक होती है, तुम्हारा नेटवर्क वीक तो नहीं है? इशिका विभूति तुम्हें दोनों को वॉइस ब्रेक, मेरी आवाज आ रही है ब्रेक करके? हम अभी अभी हुई थी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक। ओके मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूं। देखो मैं ये कह रही हूँ कि हम डिफरेंस लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अट्रैक्ट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है, पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है, हम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं वो किसी पर्टिकुलर एटम को देखते हैं, आइसोलेटेड एटम को देखते हैं, अकेला हो तब देखते हैं, पर जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या देखते हैं, कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में देखते हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो इसका पॉइंट लिखना आइसोलेटेड एटम, इसमें लिखना कि कोवलेंट बॉन्ड में देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ताहिरा अब मेरी वॉइस क्लियर है? आगे सेकंड पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया? देखो थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव वैल्यू, जो किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे हमने HCl में देखा ना हाइड्रोजन, उसके रिस्पेक्ट में देखा, ये रिलेटिव वैल्यू है, किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दैट इज रिलेटिव वैल्यू। मैम एब्सोल्यूट रिलेटिव वैल्यू क्या होता है? देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा कि जैसे कोई एटम है, ठीक है, जैसे एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो एनर्जी रिलीज किया, हमें कोई वैल्यू मिलेगा, जैसे टू पॉइंट समथिंग मिला, टू जूल मिला, ठीक है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रहा है। पर जो हम यहाँ रिलेटिव, मतलब हम इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, रिलेटिव पार्ट है कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारा क्या क्लोरीन। अगर मैं यहीं पे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से इन रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यू। अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं तो वो कैसा वैल्यू होगा, रिलेटिव, क्लियर है। और एग्जैक्टली उसका वैल्यू निकल रहा हो किसी से, उसका कोई लेना देना नहीं है, हम एग्जैक्टली उसको ही बस फोकस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो रिलेटिव में वी कंपेयर द टू इलेक्ट्रॉन्स, हां द टू एटम्स, हां रिलेटिव में हम कंपेयर करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और एब्सोल्यूट में किसी से कंपेयर नहीं करते, एग्जैक्टली उसकी वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट आप देखो ये इसकी यूनिट होती है, एनर्जी रिलीज करेगा, यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये तुम्हारा कोई इसकी रिलेटिव वैल्यू, इसकी किसी के हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है, नो यूनिट। किसी को डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे
फैक्टर्स जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, जिस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा उस फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिख दो हेडिंग देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स फैक्टर्स जिस हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा डिपेंड करता है, ठीक है? पहला फैक्टर हमारा किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या लिखो साइज ऑफ एटम। फर्स्ट फैक्टर क्या है? साइज ऑफ एटम, ठीक है? मान लो दो एटम है, एक की साइज इतनी बड़ी है और एक की साइज इतनी बड़ी है, ठीक है? बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है यहाँ भी। विभूति आप बताना किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, आई एम पुटिंग इलेक्ट्रॉन हियर, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी आपके हिसाब से, बिगर साइज एटम की या स्मॉलर साइज एटम? मान लो इस एटम का साइज मान लो ए है, इसका बी है, मतलब एटम ए है एटम बी है, तो विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए और बी? मैम ए। वाई ए? मैम क्योंकि एक में ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा पावर गिव करने की। ठीक है आप बताएं इशिका, विभूति करेक्ट और रॉन्ग? मैम आई थिंक इट विल गो टुवर्ड्स बी बिकॉज़ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। देखो इसका साइज छोटा है बड़ा है, ठीक है? इसका हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव ही इसे अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसका डिस्टेंस देखो यहाँ से इतना ज्यादा है और इसका डिस्टेंस वाले इलेक्ट्रॉन इतना ही है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो पॉजिटिव ही साइन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जो साइज जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना? जो साइज छोटा होगा तो उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत नजदीक होगा, डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन से, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है ये बात? तो ये लिख सकती हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। इनवर्सली मतलब अगर साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो मैं ये कहने जा रही हूँ जिसका साइज बड़ा होता है, हमें है ना, अब तुम्हें पता है साइज बड़ा है तो यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो अट्रैक्ट कौन करता है? हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो अट्रैक्ट उसको पॉजिटिव ही चार्ज करेगा ना, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, वो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, न्यूक्लियस में, तो पॉजिटिव ही तो इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बुलाएगा। अगर साइज हम बड़ा कर दे तो ये जो पॉजिटिव का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा, तो आई मीन जो पॉजिटिव का साइन इलेक्ट्रॉन से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट अट्रैक्टेड। इसका देखो डिस्टेंस कम है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट एग्जाम्पल ले लो ना, मान लो मैंने एक मैग्नेट यहाँ रखा, एक मैग्नेट मैंने यहाँ रखा, और मैंने एक मैग्नेट यहाँ रखा एक यहाँ रखा, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दूसरे मैग्नेट को? मान लो ये वाला, इसको मान लो एक्स है ये वाई है, ये वाला पार्ट, तो कौन एक्स या वाई कौन ज्यादा ट्रैक करेगा मैग्नेट को अपने पास, विच वन अट्रैक्ट? इशिका विभूति प्लीज आंसर। इशिका एक बार रिपीट कर दो एक्स और वाई का क्या कंडीशन है। ठीक है, आपने सुना ताहिरा आप कहाँ चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था? यस मैम नेटवर्क इशू। ठीक है मैं एक एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार और, देखो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स जिसपे किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है? तो पहला बात हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ही टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ रहे फैक्टर्स जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज
डिपेंडिंग. तो पहला साइज ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं, मैंने ये समझाया, आई एम एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग वन वंस अगेन. ओके, फिर मैं एक्स वाई वाला क्वेश्चन पूछूंगी. देखो मैंने ये समझाया है, ताहिरा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? यस मैम आ रही है. देखो मैं ये कह रही हूँ, एक एटम इसका साइज इतना बड़ा है, एक एटम है इसका साइज छोटा है. हमें पता है एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ रखू, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखू, अब यहाँ हमें पता है कि अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अट्रैक्ट कौन करेगा उसे? पॉजिटिव ही चार्ज ना अट्रैक्ट करेगा, दैट इज न्यूक्लियस. जो जितना ज्यादा नजदीक हो उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा. अब यहाँ से डिस्टेंस देखना इसका इतना ज्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस देखना कम है, तो कौन अच्छे से अट्रैक्ट करेगा? ए और बी में, विच विल अट्रैक्ट मोर? ए और बी में बी करेगा. बी, हाँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है. तो मैं तो ये कह सकते हैं कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. क्लियर है? ज्यादा. हाँ. मैं तुम्हें एग्जाम्पल से ये लिख लेना इसका रिलेशन, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखोगे क्लियर हो जाएगा बात. ये डायग्राम बना लेना. मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है ये, ठीक है? पहले तो आप लोग ये लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन तो पूछती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा. साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, ये ए और बी है, तो दोनों का साइज दिखाना और यहाँ पे रिलेशन लिख देना. ये बस लिखना चाहो तो लिखो, लिख सकती हो कि इफ साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. यू कैन राइट इट इट ओन वर्ड्स, क्योंकि उसमें कुछ लिखाने लायक है नहीं. अब मैं इसे ड्रॉप कर दूं? मैम वेट. ओके. Now, मैम आपने क्या बोले, इलेक्ट्रो एटॉमिक साइज को? मैंने ये कहा कि इफ साइज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. मैंने बस स्टेटमेंट ये बोला कि साइज अगर, ठीक है, वी मूव टू, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है? जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, यू ऑल नो व्हाट इज मैग्नेट, मैं हैव टू एक्सप्लेन इट. ये मैग्नेट है, मान लो एक, दिस इज अ मैग्नेट. ओके, बस वेट. ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट इसको आस पास रख दिया, ठीक है? आई डोंट नो, मैंने आस पास रख दिया, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है मैंने, तो कौन ज्यादा मैग्नेट अच्छे से अट्रैक्ट करेगा? मान लो ये एक्स केस है, एक सेकेंड, ये एक्स केस है, ये वाई केस है, विच विल अट्रैक्ट मोर फास्टर, विच मैग्नेट? एक्स और वाई? मैम समझ में नहीं आया कि नहीं, प्लीज रिपीट. मैंने ये कहा कि दो मैग्नेट है, मैग्नेट यू नो जो अट्रैक्ट करता है, तो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट को मैंने रखा आसपास बहुत करीब और एक मैग्नेट को इतने डिस्टेंस पे रखा, तो कौन मैग्नेट एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, विच विल अट्रैक्ट मोर? इज शी नॉट क्लियर?
एक्स ताहिरा आपके आंसर क्या है, कौन अट्रैक्ट करेगा ज्यादा? बचपन में कभी खेला होगा ना, दो मैग्नेट को ज्यादा पास लाते होंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, दूर ले जाते थे तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। विभूति यस विभूति देखो नॉर्मली मुझे यहाँ ये समझाना था कि अगर डिस्टेंस ज्यादा कम रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डिस्टेंस दूर रहेगा अट्रैक्शन कम होगा। तो वही साइज पे मैं समझाना चाह रही थी कि अगर साइज बड़ा रहेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, साइज छोटा रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर जो है जिस पर डिपेंड करता है वो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियर चार्ज। सबको पता न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना। मान लो एक एटम है, ये एटम है, दोनों का साइज इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसके पास दो ही न्यूक्लियर चार्ज है, इसके पास 1, 2, 3, 4, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? विच विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? ये मैं इसको लिख देती हूँ ए और बी, विच विल अट्रैक्ट मोर? ए। ए व्हाई? ए मोर न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है तुम्हारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एक सेकेंड, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? वो भी बढ़ेगा। क्लियर है ताहिरा? Yes, चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। थर्ड जो फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है वो लिख रही हूं मैं, चार्ज ऑन कटायन, दैट इज चार्ज ऑन कटायन। ओके, तो देखो मैम अभी तक क्या बोला, एक सेकंड रिपीट कर दो, कनेक्शन हट गया था। देखो मैंने न्यूक्लियर चार्ज वाला पार्ट पढ़ाया, मैंने ये बताया कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये समझा रही थी यहाँ पे, जैसे मान लो दो एटम है, एक एटम ये दोनों का साइज मान लो इक्विवेलेंट है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? विच विल अट्रैक्ट मोर, ए और बी मान लो? इशिका विच विल अट्रैक्ट मोर? मैम ए, क्योंकि तुम्हें पता जितना ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो मोर न्यूक्लियर चार्ज मोर अट्रैक्शन। तो मैंने यही समझाया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज है, एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज मैंने लिखा है कि मोर न्यूक्लियर चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? अब मैं जो थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही थी वो मैं ये पढ़ाने जा रही थी, चार्ज ऑन कटायन। कटायन पे कैसा चार्ज होता है? व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कटायन कैरी? प्लस। ओके, फॉर एग्जांपल तो ये बोल रहा है, यहाँ बता रहा है जितना ज्यादा कटायन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एक्सप्लेन करती क्यों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी। ये क्यों होता, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। ठीक है, लिख लेना ये जो भी है। कैसे देखो, मान लो एक फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया एक एटम है, ठीक है, इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम को मान लो ए प्लस है, ठीक है, मतलब इसने इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन भी थे, It has 3 electrons. जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर मान लो एक एटम यहाँ पे है जिसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका नाम मान लो A2 माइनस है, क्या है इसका नाम? A2 प्लस है, 2 चार्ज ही लॉस किया है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कौन अच्छे से अट्रैक्ट करेगा?
ये ए वाला या बी वाला, विच विल अट्रैक्ट मोर फास्टर? क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो रिपल्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब डिस्टेंस भी कम हो गया, कटाइन का साइज छोटा हो जाता है। जब मैंने पढ़ाया था एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, तो मैंने बताया था जो कटाइन का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते ज्यादा। मतलब यहाँ पे तीन पकड़ने वाले एक को पकड़ना है, तो तीन वाला जीत जाएगा, हाँ है ना? तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसके कंपेयर में इसका साइज छोटा रहेगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, कटाइन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, साइज छोटा, डिस्टेंस कम। क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, बताना है, एक मिनट, बताना है Fe2+, just wait, I'm writing, यहाँ Fe2+ and Fe3+ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, I'm writing, wait, वेट वेट, बताना Fe2+ Fe3+ में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? यू कैन विभूति प्लीज आंसर। Fe3+ and Vibhuti, Ishika is correct? Yes, ma'am. Ishika, can you explain it why? Ma'am, because Fe3 positive has three less electrons and it's more closer to the nucleus. We all know that the cation has a smaller size as compared to their parent atom, and there's a more positive charge, there's a more smaller size, and the probability of attracting electron is higher. Okay, I'm giving next question. Wait. इन दोनों में कौन होगा, Mn6, मैंने चार सिक्स लिखा है, दिस इज सिक्स, विच विल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Mn6+, करेक्ट विभूति, व्हाट अबाउट यू? विभूति, आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट? यस मैम, वो Mn के आगे क्या लिखा है, सेकंड वाले Mn के आगे प्लस सिक्स, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स वाला, प्लस सिक्स वाला, व्हाई, कैन एक्सप्लेन इट? यस मैम, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, हमने पढ़ा था ना कटायन पे जितने ज्यादा चार्ज होंगे उसके साइज कितने छोटे होंगे, इतने छोटे में तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है? यस मैम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर, अब वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऑन अनायन, चार्ज ऑन अनायन, कोई मुझे बताएगा कि अनायन का चार्ज कैसा होता है, चार्ज ऑन अनायन, सॉरी, हाँ चार्ज ऑन अनायन, हाँ अनायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ओके नेगेटिव होता है, तो अब देखो एक नॉर्मल एटम है, ठीक है, ए, अगर उसमें ए माइनस आ जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आए, ऐड होंगे, साइज बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन आए मान लो ए टू माइनस है, हाँ ना, उसका साइज क्या होगा, और बड़ा होगा, हाँ ना, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे साइज क्या होगा, बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो रिलेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अनायन।
अगर एनायन पे चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा कम, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहे हैं ना तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ये करेगा। और दूसरी बात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज नहीं कर रहा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर 10 है, मान लो कोई एटम है ठीक है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 10 है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 10 है, बट बाहर से अगर ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेंगे। पहले ये 10 पॉजिटिव चार्ज जो था वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभालता था, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो आप क्या इसलिए पॉसिबल है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने कब्जे में रखना, कंट्रोल में रखना? नहीं पॉसिबल, जिससे साइज क्या होगा इंक्रीज होगा और जिससे तुम्हारा क्या होगा अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर हुआ ये बात? इशिका एंड विभूति, इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। ओके तो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूंगी। ओके क्या कोई और चैप्टर स्टार्ट करना है रिकमेंड? मैम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग है। विभूति यस मैम, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अरेंज इट, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन सब में, यू हैव टू अरेंज इट। Ishika, is it you are right? And Vibhuti, आपके हिसाब से किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? मैम ज्यादा टू, आपने बोला एन टू प्लस का यहाँ पे है, where is एन टू प्लस? सॉरी मैम एन नेगेटिव, हाँ उसके बाद N2 नेगेटिव, उसके बाद N3 नेगेटिव। समझ आ गया, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज तक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो जो हमारा प्रॉपर्टी जिस पर डिपेंड करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन है। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? मैं लिख रही हूँ हाइब्रिड, इस पर डिपेंड करेगा। हम आपने पढ़ा होगा कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक sp होते हैं, एक sp2 होते हैं, एक sp3 होते हैं, सुना है इसके बारे में है ना? ये तो पढ़ा है ना कि हाँ देखो sp s subshell p subshell सुना है ना, तो मैं यहाँ बता रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। हाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि किस किस चीज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो अभी हम जो पांचवा फैक्टर देख रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपने सुना होगा sp sp2 sp3 जो हम केमिकल बॉन्डिंग में निकालना सीखेंगे भी, इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस नॉर्मल यहाँ समझ लो। देखो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा, क्योंकि हम आपने सुना है ना sp df, तो जो S होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, तो नॉर्मल बस इतना जानो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एटम। ठीक है, तो हम कैसे S कैरेक्टर चेक करेंगे, बस पहले एक पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S कैरेक्टर की, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा. ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि एस कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं. आप देखो, तुम्हें अगर नहीं पता है तो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है. जैसे sp, sp2, sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन है. तीन ही तरह का भी नॉर्मली में पढ़ना है, sp, sp2, sp3. हमें पता है ना टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100% हो गया. ठीक है, अगर दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दू और कहूँ जिसे दो लोगों में तुम बांट दो तो एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा? विभूति, हाउ मच गेट वन पर्सन? अगर मैं आपको 100 रुपीज दू और कहूँ दो लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आप एक इंसान को कितना रुपया मिलेगा? 50. इशिका, इज इट करेक्ट? यस मैम. ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे एस कैरेक्टर पता करेंगे. जैसे यहाँ पे एस और पी कितने लोग हैं? दो लोग हैं. एस एंड पी आर टू. हम जैसे परसेंट मांग ले रहे हैं. ठीक है, तो अब हमें 100%, क्योंकि हमें पता है जो सबसे परसेंट हाईएस्ट के 100 ही होता है ना, उससे ज्यादा तो होता नहीं है. तो यहाँ पे अगर मैं 100% को इन दोनों में डिवाइड करूँ तो कितने में होगा? एस को कितना परसेंट मिलेगा? 50%. अब पी को कितना मिलेगा? 50%. हाई है ना. अब आ जाओ नीचे sp2 में. अब यहाँ पे कितने लोग हैं? अब हम लोग मान रहे हैं, नॉर्मल समझो, लोग मान रहे हैं, लोग मान के चल रहे हैं. कितने लोग हैं sp2 में? sp2 में कितने लोग दिख रहे हैं विभूति? मैम दो. दो है. एक ऐसे पी पे कितना लगा हुआ स्क्वायर, मतलब कितने पी हैं? पी पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो दो पी है, मतलब टोटल कितने लोग हैं? तीन लोग हैं. तो अब तुम्हें 100 रुपीज कितने लोग में डिवाइड करने हैं? तीन लोग में डिवाइड करने. तो कैसे कितने आएंगे शेयर, कोई आइडिया? मैम पॉइंट्स में आएंगे. हाँ बताओ कितने पॉइंट्स में आएंगे? 33 point something आएगा. कितना आएगा? 33 point something. हाँ, तो आप देखो एस को 33% point something मिल रहा है, पी को भी, दोनों पी को भी 33 point something मिलेगा. हाँ है ना, तो हमें तो एस कैरेक्टर से मतलब है. तो एस को कितना मिल रहा है यहाँ पे? एस को मिल रहा है आपका 33.3%. क्लियर है, एस को मिल रहा है. अब नीचे वाले में कितने लोग हैं? नीचे में कितने लोग हैं? इसमें कितने लोग हैं विभूति? चार हैं. ठीक है, क्योंकि एक ऐसे तीन पी है तो टोटल 4 लोग. अब हमें 25. हाँ गुड. अब ईच पर्सन को कितना मिलेगा? एस को 25% मिलेगा, एस को 25% मिलेगा, और आपको पी को भी 25% मिलेगा. अब बताओ एस का परसेंटेज किसमें ज्यादा है? Which has more S character? SP, SP2, SP3. SP, Vibhuti, is it correct? SP has more S character? Vibhuti, I am audible or not? Yes, ma'am. Okay. तो मैंने क्या पढ़ाया कि जिसका S character ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा प्लीज? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऐशिका मैम, एसपी. विभूति, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? sp3. क्यों? sp3 में इसका परसेंटेज कितना है देखना तो. 25. और एसपी में कितना है? 150. SP2 में 33.3%. तो मैंने ऊपर देखो ये पॉइंट क्या लिखाया है, जस्ट वेट, आई एम हाइलाइटिंग विद रेड. मैंने क्या लिखा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है? किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कैरेक्टर से. मतलब S कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो S कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? तो SP सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. उसके बाद कौन होगा? SP2. ओके, उसके सबसे लास्ट में sp3 होगा. ओके है ना? यस मैम. मैम s कैरेक्टर का मतलब नेगेटिव नहीं है. अभी s कैरेक्टर मतलब जो हम जो पढ़ते हैं sp3d ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसमें s ज्यादा हो उसको कैरेक्टर करते हैं. ऐसे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो समझेंगे s कैरेक्टर क्या होता है. देखो हम जब पढ़ते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां फिल करते हैं? s में फिल करते हैं ना. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, एस जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, और जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, न्यूक्लियस जोर से पकड़ता है, पकड़ के रखता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ये समझो sp(df) है ना, तो एस सबसे करीब होता है, फिर p(df), तो एस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, उसको उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, वो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा.
जो हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3 कैरेक्टर को हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, भी जनरल इतना समझ के रखो। क्लियर है? तुमसे कोई पूछेगा कि sp2 sp3 sp में कौन ज्यादा है तो बोलना sp है। sp क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। और हमने s कैरेक्टर देख लिया कैसे निकालते हैं। ओके नाउ अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वेरिएशन है अलोंग द पीरियड कैसा होगा। शिका बताओ अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन? मैम इंक्रीजेस। व्हाई इंक्रीजेस? कैन एक्सप्लेन इट? बिकॉज़ मैम एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। हाँ देखो जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीजेस। मैंने अभी पढ़ाया साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं लिखूं लिखती हूँ मैं नॉर्मली चीज लिखती हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ आप जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है उसके बाद फ्लोरीन, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? मैं लेफ्ट राइट पीरियड में लिखी हूँ मैं, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? मैम एफ। हाँ क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का होगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब बताना डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो डिस्टेंस तो इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीजेस होगी। तो अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में? Which has more electronegativity? फ्लोरीन की क्यों? क्योंकि हम जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तब साइज इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से दूर हो रहा है तो क्या होगा वहां पर अट्रैक्शन कम होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अट्रैक्ट करना किसी इलेक्ट्रॉन को, तो फ्लोरीन के ज्यादा होगी। किसी को कोई डाउट? लेकिन मैं फ्लोरीन में बहुत कम स्पेस है, आपने लास्ट टाइम बोला था दैट इट। हां मैंने ये बताया था, मैंने अभी डिफरेंस बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेना, अपने पास रख लेना, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट करना, बस उसे अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने अंदर रखेगा नहीं। वो मैंने ये बताया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बुलाएगा, पर वो रख नहीं पाएगा क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को उसको रखना नहीं है, बस अट्रैक्ट करना है। इट ओनली हैव टू अट्रैक्ट इट, एक्सेप्ट नहीं करना है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो रहा था? अट्रैक्ट करके रखना भी था, तो स्पेस कम था, इसलिए वहां पे क्लोरीन की ज्यादा हो जा रही थी। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके मैम कैन यू राइट इट डाउन एक बार, देन आई विल राइट इट डाउन। व्हिच व्हाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, ये लिखवाना है। व्हाई फ्लोरीन हैज मोर देन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है फ्लोरीन की क्लोरीन से? तो यहाँ पे रीजन ये है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो सबसे कम फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना। देखो मैं तुम्हें इशिका ये बता रही हूँ कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, और हमने अभी पढ़ा है कि साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो अब तुमको सोचना किसका साइज ज्यादा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैं नॉर्मल लिख रही हूँ यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। डाउन द ग्रुप जा रहे तो साइज बड़ा होगा, हाँ है ना। तो आयोडीन का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो आपके हिसाब से किस जो साइज बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, हाँ है ना। तो फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन ब्रोमीन, फिर आयोडीन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हाँ बोलो।
मैं वही बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में भी सेम था, लेकिन हमने सेम था, वहां पे एक्सेप्शन था कि क्लोरीन का ज्यादा हो गया था फ्लोरीन से. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा था. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ये होता है बस अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना, तो क्लोफ्लोरीन का साइज बहुत छोटा था, मतलब छोटा था इसलिए वो रख नहीं पा रहा था, रखेगा बहुत मुश्किल से, तो उस हिसाब से क्लोरीन की ज्यादा होती थी. क्लियर है? मैंने इसका रीजन भी लिखाया था क्यों, क्योंकि स्पेस कम था. क्लियर है सबको? विभूति तो मैम, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर नॉट कीपिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दे जस्ट अट्रैक्टिंग इट. Can you please pardon? Ma'am, I'm saying that in electronegativity, then they are not taking in the electrons, they are only attracting it. They are only attracting the electron. जब मैं तुम्हें difference लिखा रही थी electron gain enthalpy और electronegativity, मैंने वहाँ लिखाया था कि जो electron affinity है वो attract भी करते हैं and accept भी करते हैं. Attract and accept electron. और मैंने वहाँ लिखा it only attract, not accept. Clear? Yes, ma'am, I got confused. Vibhuti? आपको समझ आया? Yes. Okay. तो नाउ वी मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने थे. हाँ, एक सेकेंड, मुझे कुछ क्वेश्चंस टॉपिक पे कराने थे, जैसे कि हाउ कैन यू फाइंड पीरियड्स एंड ग्रुप, उस टाइप के क्वेश्चंस कराने थे मुझे, मतलब उस टॉपिक उसको उसके बारे में बताना था. मैं बता देती हूँ, रुक जाओ, जस्ट वेट. हेडिंग देना हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू मैं लिख रही हूँ, एक मिनट. ये मैंने एलिमेंट, एक सेकेंड लिखा नहीं है, एलिमेंट लिखा, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एलिमेंट, ग्रुप, पीरियड. एंड ब्लॉक. ठीक है, आप किसी एलिमेंट का कैसे पता करेंगे कि वो किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट द पीरियड. अगर मुझे पीरियड पता करना है तो कैसे पता करेंगे हम, लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट सेल इसके जो लार्जेस्ट वैल्यू है. ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम ले रही हूँ. ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1. तो यहाँ पे लास्ट शेल कौन सा है, 1 या 2 में, सबसे लास्ट शेल क्या, 2 है, इट इज 2. और 1 या 2 लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, 2 है. तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, सेकेंड पीरियड का होगा. कौन से पीरियड का होगा, दिस इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड. क्लियर? और मैं कैसे पीरियड पता कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट अगर मुझे पता करना होगा कि ये किस पीरियड का है, मतलब सेकंड, वी ऑल ने हैव दिस इन पीरियडिक टेबल, देयर इज 7 पीरियड. ठीक है, तो मुझे पता करना है कि फर्स्ट का है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का. हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और देखेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, लास्ट शेल, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 लास्ट सेल जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा, पीरियड होगा.
या लार्जेस्ट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किया तो यहाँ पे 1s2 2s1 है, तो लास्ट सेल हमारा क्या है 2 है, तो ये सेकेंड पीरियड से, या तुम कह सकते हो लार्जेस्ट वैल्यू, तो 1 and 2 में लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है 2 की, तो ये सेकेंड पीरियड है, ठीक है. उसी तरह आप सोडियम में करके, सोडियम का बताओ किस पीरियड का है निकाल के, और मैग्नेशियम का. समझ आया आपको? Yes, ma'am. विभूति आपको? Yes, ma'am, a little bit. Little bit? Why? You have to write the electronic configuration. आपको इसका electronic configuration लिखना है. और जो last cell में जो electron जा रहा है, वही आपका period होगा. मतलब largest number. 1, 2, 3, 4 में सबसे largest मान लो 4 है. Then it is a 4th period. Clear है? उसे जब sodium और magnesium को find out करें और मुझे बताएं किस period का है. Okay, ma'am. इशिका विभूति आप बताएं सोडियम का पीरियड क्या होगा? इसके पीरियड क्या होंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? इशिका विभूति आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, ma'am. What is the atomic number of sodium? Have you find the period? See here, the atomic number of sodium is 11. Atomic number sodium ka kya hai? 11 hai. To iska hum jab configuration likhenge, kaise likhenge? 1s2, 2s2, 2p6, and then 3s1. Correct? Yes, ma'am. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है? लास्ट का पीरियड क्या होगा? व्हिच पीरियड इज इट? थर्ड. अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है, तो यू हैव टू राइट इट, फाइंड आउट. मैग्नीशियम को लिखो, बताओ कौन से पीरियड का ये? मैम थर्ड. अब इट इज, हाँ क्लियर. तो अब इसी तरह निकालते हैं हम लोग. विभूति आपको समझ में आया? Yes, ma'am. अब हम सेकेंड चीज, हमें अगर ब्लॉक पता करना, कि जैसे हमने पढ़ा ना कितने ब्लॉक होते, SPTF है ना, अगर मुझे पता करना है कि ये किस ब्लॉक का है, S का है कि P का है, S है या P है या D है या F है, ठीक है, तो आप कैसे ब्लॉक पता करोगे? तो लिखो, इट इज डिसाइडेड, लिखो यहाँ पे नीचे में लिखो, इट इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट, डिसाइडेड बाय द फैक्ट इन विच फैक्ट in which subshell last electron enter,
आप इसे लिख लो, मैं समझाती हूँ। ये हम डिसाइड करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में एंटर कर रहा है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम से समझा रही हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, 2s1 है, ठीक है, s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, देखो तो ये शेल कौन सा है, S। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, कौन से ग्रुप का, ये S ग्रुप का है, आई मीन सॉरी ब्लॉक, ये कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक का है। अब पीरियड कौन सा होगा, सेकेंड, 2 है ना, सेकेंड पीरियड, ठीक है। अब बताओ तो सोडियम कौन से ब्लॉक का, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, बताओ। ओके विभूति आप बताए मैग्नीशियम किस ब्लॉक का है, विभूति आई एम ऑडिबल और नॉट, इसी के आप ही बताएं कौन से ब्लॉक का होगा वो, मैग्नीशियम, गुड। अब हम पीरियड पता कर लेंगे, ब्लॉक पता कर लेंगे, अब हम ग्रुप पता करेंगे, क्या पता करेंगे, ग्रुप कि किस ग्रुप का, ग्रुप तो सुना ना, कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल, तो हम ग्रुप कैसे पता करेंगे, तो लिखो एस ब्लॉक, अगर मुझे ग्रुप का अलग अलग कैटेगरी, अगर मुझे एस ब्लॉक है, अगर वो एस ब्लॉक है तो अगर उसका मुझे ग्रुप पता करना है, कैसे पता करेंगे एस ब्लॉक का ग्रुप, देखो इट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस पर करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो एस ब्लॉक है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल में लिथियम छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1, ठीक है। अब इसका देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2 में, इसका क्या हो गया तुम्हारा, जैसे सेकेंड पीरियड का ये, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, s, तो ये कौन से ब्लॉक का है, s ब्लॉक का है। अब बता लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज दिस, प्लीज रिप्लाई, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, तो ये तुम्हारा ग्रुप 1 का होगा, क्लियर है, कैसे देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम ले रही हूँ, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 का ये होगा, तो बस सोडियम का एटॉमिक नंबर, इसका कंफिगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, क्लियर है। अब बताना लास्ट सेल कौन सा, थर्ड है, तो दिस इज थर्ड पीरियड, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन yes, किसमें हो रहा है, एस में, दिस इज एस ब्लॉक, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस वैलेंस सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, हाउ मेनी, तो ये कौन से ग्रुप का होगा, फर्स्ट ग्रुप का होगा। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, देन वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो ये अब हम मैग्नीशियम को भी लिख लेते हैं, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, चलो आप लोग खुद से करके बताओ इसमें ये कौन से ग्रुप का होगा, मैम कुछ एलिमेंट्स में 4s पहले आता है, फिर मतलब 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, उसमें तो हम टू हाईएस्ट नंबर देखेंगे, 1 2 3 4, तो हाईएस्ट हमारा क्या हो गया, 4s, तो हमारा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 में, पहले तो 1 में जाएगा 2 में जाएगा, चाहे वो 4s 1s और 2s 3s जो, उसके बाद 2 में जाएगा, फिर 3 में, लास्ट में 4 में जाएगा ना, कि 4 इज द हाईएस्ट नंबर, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, तो हम कहेंगे वो 4 पीरियड का है, एस ब्लॉक का है, और तुम्हारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हो जाएगा आपका। नो, लेकिन मैम आफ्टर फिलिंग अप द फोर्थ कलर डजंट इट गो टू द थर्ड टू 3d, ठीक है, अभी हम लोग आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो मैं एक बार क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक बार, ठीक है, अभी मैं कराऊंगी। तो आप मैग्नीशियम को बताएं पहले कौन सा ये पीरियड होगा इसका, ओके थर्ड पीरियड, करेक्ट। तो एस ब्लॉक का क्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के निकालेंगे, यस मैम, ठीक है। अब अगर मुझे पी ब्लॉक का निकालना है ग्रुप, अगर मुझे किसका निकालना है, पी ब्लॉक का निकालना है ग्रुप,
निकालने का, जो नीचे लिख लेना क्या होता है P ब्लॉक के लिए, क्या होता है, मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे। P ब्लॉक का क्या होता है, उसमें 10 ऐड कर देंगे प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, नंबर ऑफ 10 ऐड कर देंगे, तो हमें P ब्लॉक का पता चल जाएगा ग्रुप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल P ब्लॉक का कोई एलिमेंट लो, इसे नाइट्रोजन, हमने क्या लिया एग्जांपल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 और 2p5 है ना। बताना इसका पीरियड कौन सा होगा इशिका, विच पीरियड इट बिलोंग, मैम सेकंड। विभूति ये कौन से ब्लॉक का होगा, विभूति ये कौन से ब्लॉक का होगा, विभूति आर यू नॉट हियर इशिका, आप बताइए कौन से ब्लॉक का होगा। मैम पी ब्लॉक। ओके एंड इसका वो क्या होगा ग्रुप, ग्रुप के ऊपर बताया ना कैसे निकालते हैं, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, उसमें क्या ऐड कर देंगे 10, तो कितना इसका ग्रुप क्या होगा 15 ग्रुप का जस्ट फ्रॉम। लेकिन मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8-5 नहीं हो जाएगा तो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं वैसे निकाल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके आउटर शेल में। विभूति मैंने ये बताया है कि हम कैसे निकालेंगे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, तो हम अगर पीरियड की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा हाईएस्ट सेल, यहाँ 1 और 2 है, 2 इज द हाईएस्ट, तो ये सेकेंड पीरियड का है, और जो जा रहा है हमारे पी वाले में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाले में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक का है। और मैंने बताया जब ग्रुप निकालना हो पी ब्लॉक के लिए तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है प्लस 10 कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएगा, इसका जो हो गया ग्रुप 15 हो गया। एंड इशिका वो तुम जो बता रही हो 8-5 उससे हम वैलेंस ही निकालते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसे कितनी 3 होगी, वी हैव टू फाइंड वैलेंस लाइक दैट, क्लियर है। यस मैम, लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नहीं शायद मैंने नाइट्रोजन का गलत लिखा है ना, आई एम सॉरी ये 7 है, तो देखो 1s2 2s2 यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए ना। यस मैम, तो आपने बताया भी नहीं, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा बताओ, अब इसके इसके ग्रुप क्या हो जाएंगे बताओ, ये 3 हो गया तो 13, ओके 13 हो जाएंगे, 10+3 13। किसी को कोई डाउट, देयर इज एनी डाउट, नो। एक क्वेश्चन और कार्बन का बताओ करके, बट मैम वी डोंट यूज 8- द बिगर नंबर इधर, देखो तुम जो कह रही हो ना 8- बिगर नंबर, वो वैलेंस ही निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो उसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज वैलेंस सेल, और हमने जब वैलेंस ही निकालते हैं इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो हम निकालते 8-5 से वैलेंस ही। अगर तुम्हारा अगर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक है, जिसकी वैलेंस 4 तक, मान लो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आ रहा है, तो उसकी वैलेंस 1, 2, 3 होगी, पर उसको मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया 5 आ गया, तो हम 8-1 निकालते हैं जो भी, तो वो वैलेंस ही मिलती है हमें, क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। एंड विभूति आपको अब समझ में आया, मैं एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ जिससे आपको शायद समझ में आ जाए। जैसे मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप लोगों को सब याद करना पड़ेगा, तो एटॉमिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4 है ना। विभूति बताओ इसकी पीरियड क्या होगी, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा ये, बिलोंग टू विच पीरियड, हम फोर्थ, व्हाई फोर्थ, वी हैव टू सी द वैलेंस, ये देखेंगे हम, ये 1 है ये 2 है, तो हाईएस्ट हमारा 2 है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2, तो ये पीरियड सेकंड होगा, क्लियर है। ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है, क्या कह रही है रिपीट बताओ, कौन से ब्लॉक में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में जा रहा है विभूति बताओ, हम सेकंड, ब्लॉक ब्लॉक होता है एस पी डी एफ, इशिका आप बताइए कौन से ब्लॉक पे जा रहा है,
पी ब्लॉक। हाँ, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 4। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था? 10+4=14। क्लियर है विभूति? आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर कर रहे टू में, तो वो आपका पीरियड हो जाएगा। ब्लॉक sp(df) होता है, तो वो p में मतलब p ब्लॉक होगा, p ब्लॉक का ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। देखो डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं, ई ब्लॉक का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ऐसे। ई ब्लॉक का मैं लिख रही हूँ, डी ब्लॉक इसका होता है काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन, एन मतलब एन सेल जो है तुम्हारा एन सेल, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन सेल में, क्योंकि डी ब्लॉक में एक कम होता है ना सेल, हाई है ना, तो हम लोग एन माइनस वन से करते हैं। तो नंबर क्या से करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सब सेल, एन माइनस वन डी सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस, एस सबशेल में करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट? मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, हैव टू फाइंड फ्रॉम विच पीरियड इट बिलोंग। डी ब्लॉक का लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस डी सबशेल, राइट डाउन। ये मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन लिखा है, बताओ ये कौन सा पीरियड है, ग्रुप है, ब्लॉक है, बताओ। इशिका मैंने है ना, इशिका विभूति मैंने है ना लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा 3s2 3p5, तो आप बताओ ये कौन से पीरियड से, कौन से ब्लॉक से, तो और कौन सा आपका ये है मतलब ग्रुप। मैम पी ब्लॉक से है और 3 है ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ओ ये थर्ड तुम्हारा पीरियड बताता है, दिस विल टेल यू पीरियड, ग्रुप 15। हाँ गुड, ग्रुप 15 एंड पीरियड थर्ड। इशिका नहीं दे पाओगी, एक मिनट में बता रही हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन दे रही हूँ, चलो तुम्हारे लिए मैम पी वाले में ही देना। हाँ पी वाले में ही दूंगी, चलो ये बताओ बताओ। मैम पीरियड 2 होगा और पी उस पी ब्लॉक में होगा और 15 होगा इसका ग्रुप नंबर। ठीक है करेक्ट गुड। अब मैं डी ब्लॉक एक समझा दे रही हूँ, ठीक है डी ब्लॉक एक देख लो, जैसे मान लो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 है 3d5 है, ठीक है अब इसको बताना कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ब्लॉक होगा। देखो उसमें मैं समझा दे रही हूँ, यहाँ पे तुम्हारा पीरियड सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है, तो पीरियड 4 होगा, ठीक है पीरियड 4, क्योंकि हमें पता जो हम डी में लिखते हैं वो एन माइनस वन लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 3d आया है, पीरियड 4 होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुम्हारा जो वो होगा
क्या कहते हैं ब्लॉक डी होगा, ठीक है। और फाइव आ रहा है ना, मैंने क्या सिखाया तुम्हें, डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। एस में इलेक्ट्रॉन कितने, दो है, डी में कितने, पांच, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सात, मतलब इसका ग्रुप सेवन होगा। आया समझ में? Yes. विभूति कुछ नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर हम देखेंगे दैट इज फोर इज पीरियड, पर हमें पता है जो हम डी का लिखते हैं वो एन माइनस वन लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डी ब्लॉक मानेंगे और हाईएस्ट फाइव है, तो इसका हम ब्लॉक आई मीन ग्रुप निकालते हैं हम एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन को एड करके, टू प्लस फाइव सेवन। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज क्लास ये भी ओवर करते हैं, दिस चैप्टर इज ओवर, टुमारो वी स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो आप लोग प्लीज एक बार एनसीईआरटी